ये परिस्थिति की इतिहास में पहला उदाहरण है कि जब पाकिस्तान एबटाबाद में रंगे हाथों पकड़ा ओसामा बिन लादेन को शरण देते हुए, कि अमेरिका में भी पाकिस्तान को लेकर प्रश्नचिन्ह और संदेह खड़े हो चुके। आज उनका ईमानदारी से जो विश्लेषण है और हमारा विश्लेषण है उसके बीच में नजदीकी आ चुकी है, और इसलिए पाकिस्तान से पूरी दुनिया की ताकतें दो टूक बात करें कि आपने आगे का रास्ता कौन सा तय करना है। पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक समाज बन जाए, वहां रेडिकलाइजेशन कम हो जाए, वहां आतंक से अपनी दूरी बन जाए, ऐसी परिस्थिति में दुनिया के सभी देश उनसे बातचीत करके हल ढूंढे। लेकिन क्या यह रास्ता है जो पाकिस्तान ले रहा है? पाकिस्तान जिस रास्ते पर चल रहा है कि सिविलियन प्रशासन की क्षमता कम हो रही है, उसका पलड़ा सेना और फौज के पक्ष में है, फौज का भी रेडिकलाइजेशन हो रहा है, बिगर नाइट में है, ग्लोबल नाइट में है, कैन अ फेल स्टेट विद अ न्यूक्लियर आर्सेनल, और उस दिशा में वो देश जा रहा है और आप जो इनसे बातचीत करते रहे, उस बातचीत आप करते नहीं रहिए तो बातचीत में से निकलेगा क्या? क्या आप उस बातचीत के प्रभाव में से ये कह सकते हो कि आतंक समाप्त कर दो? पाकिस्तान कहता था कि हमारे यहां सरकार नहीं करती, शासन नहीं करता, जो प्राइवेट लोग हैं वो करते हैं आतंक, नॉन स्टेट एक्टर्स। एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन बोला है स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में, और आज एक ऐसी परिस्थिति है कि जो हैडली और राणा के ट्रायल में शिकागो में से बयान निकले, जो एबटाबाद की घटना निकली, उसके बाद स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर के बीच में जो लाइन थी वो अपने आप में मिट गई। अफगान तालिबान भी आईएसआई का एक अंग है, लश्कर ए तैयबा से लेकर जितने ये संगठन हैं, मुजाहिदीन पैदा यहां पर हुआ, लेकिन इट वॉज एक्सटर्नली क्रिएटेड एंड एक्सटर्नली सपोर्टेड, बाहर के लोगों ने पैदा किया इस देश के कुछ नौजवानों को गुमराह करकर और उसकी समर्थन किया, और हम विदेश नीति के अंदर जो ताकत होती है उसके सत्र में उसका प्रयोग नहीं करने को तैयार है इसको रुकवाने के लिए। अब कारण यह है कि कई बार हमें लगता है कि अपनी बात जिस ताकत और कन्विक्शन के साथ कहनी चाहिए, जैसा मैंने कहा कि वाजपेयी जी का जनवरी 2004 का जो समझौता था मुशर्रफ साहब के साथ, दो टूक बात थी, लेकिन जो हवाना में मनमोहन सिंह जी ने कहा, जो शर्मल शेख में कहा, आपने धूमिल कर दिया। कश्मीर के संबंध में जैसे स्पष्टता से हम लोग अपनी बात कहते हैं, अगर ये सरकार ऐसी स्पष्टता से कहना शुरू करते हैं कि कश्मीर को लेकर कोई विषय बातचीत करने का है नहीं, लेकिन आप अपनी सोच देखिए, पिछले 5 दिन से जो ये विवाद चल रहा है कि अमेरिका में वहां आईएसआई के पैसे दिए हुए हैं एक संस्था को, और एक व्यक्ति फाइल वहां पर बना हुआ था जो इन सबको बुलाता था, जितने इस सरकार के मित्र हैं, यूपीए सरकार के जितने समर्थक और मित्र, जिसको कश्मीर में बातचीत करने को लगाया वो भी फाइव जो हॉस्पिटैलिटी ले लेता था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, हाउ कैन मिस्टर फाइव गेस्ट बी इंडियन इंटरलोक्यूटर्स ऑन कश्मीर? और ये बातचीत स्पष्ट बाहर आने के बाद उनका कोई औचित्य नहीं है एक दिन भी इंटरलोक्यूटर के पद पर बने रहने का, और वो पूरी लिस्ट पढ़ लीजिए, उसमें से सारे आपको बीजेपी की आलोचना करने वाले बीजेपी बेकर्स मिल जाएंगे, और अब मासूम बच्चों की तरह बने कह रहे हैं हम गए थे, फ्री में टिकट मिलती थी, मजे में होटल में रहते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कौन दे रहा है। अगर आपको पता नहीं था तो कम से कम जिनको सरकारी जिम्मेवारियां आपसे दी हुई हैं देश की सुरक्षा और देश के हित के साथ, उनसे ले लो, ये बहुत भोले लोग हैं, ये देश इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है, इनको ये भी जानकारी नहीं थी कि इनको टिकट कौन दे रहा है और इनको होटल में कौन ठहरा रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना इस सरकार के हाथ में नहीं है, वो ताकत नहीं है। केवल इतना नहीं मित्रों,
माओवाद की घटनाएं दे दीजिए। आज इस देश के अंदर माओवाद जो दोबारा पैदा हुआ पिछले 5-7 साल में एनडीए की सरकार थी तो 5 घटनाएं होती थी। आज जब से ये घटनाएं आरंभ हुई पिछले 5-7 साल से, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो माओवादी हैं ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है कि इनकी आंदोलन चलेगा तो गरीबी हट जाएगी। उनका स्पष्ट उद्देश्य यह है कि इस देश के लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करना। इस देश के संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करना, हिंसा के माध्यम से समाप्त करना उनका साहित्य बनी है। जो चाइना में माओ के जमाने में नारे होते थे कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, पावर फ्लो फ्रोथ कार्य पत्र कर सबको लिखते हैं, उनके पास शस्त्र कहां से आते हैं? अपने साहित्य में लिखते हैं एनिमीज आर्मरी इज अवर आर्मरी। जो बंदूक और एम्युनिशन दुश्मन के पास है, दुश्मन कौन है? पुलिस, सेना। उनको मारना, उसका छीन लेना और उसके माध्यम से इस देश के संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करना। और उनका उद्देश्य यह है कि इस देश के अंदर साम्यवादी तानाशाही हिंसा के माध्यम से कायम हो। तो मैंने तो हाल में लिखा भी, एक लेखिका है इस देश की, वो 32 और 34 पेज के ऐसे लिखती है उनके समर्थन में। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने बड़ी फिलॉसफी लिखी उनके पक्ष में। तो मैंने कहा गनीमत है कि इस देश में लोकतंत्र है, कहीं माओवादियों की शासन आ गया आ जाएगा तो ना ये 34 पेज का ऐसे लिखने की अनुमति आपको होगी और ना सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें जजमेंट लिखने की आपको अनुमति होगी। ये तो लोकतंत्र की ताकत है कि आपको अनुमति है। और ये जो परिस्थिति है इससे कैसे लड़ेंगे? जब चिदंबरम होम मिनिस्टर बने तो पहले 3-4 महीने उन्होंने बहुत अच्छे बयान दिए कि माओवाद को समाप्त करना है और ऐसा लगता था जैसे इस लड़ाई का एक नया जनरल पैदा हो गया है और राज्य सरकारें उनकी मदद करेंगी। दिग्विजय सिंह ने, मणिशंकर अय्यर ने 2-3 बयान दिए और फिर सोनिया जी ने कांग्रेस संदेश में एक लेख लिख डाला। तो चिदंबरम साहब को भी लगा कि मुझे इस नौकरी पर बने रहना है तो मैं अपनी पार्टी का माहौल समझ लूं। उस दिन से उन्होंने कहना शुरू कर दिया माओवाद से लड़ना ये राज्यों का काम है, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है। तो भाई लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है तो कम्युनल वायलेंस फिर भी स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए, आप क्यों ला रहे हो? और उस दिन से एक विचित्र धरती है और आज धरती का असर देखिए। मैं इसलिए इसका राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जिक्र कर रहा हूं, जैसे ये मुंबई घटना का मैंने जिक्र किया। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं कौन होते हैं ये लोग? जम्मू काश्मीर के अंदर जहां आतंकवाद है तो पुंछ, डोडा, रजौरी, इन इलाकों में एक संस्था है जिसको कहते हैं विलेज प्रोटेक्शन कमेटी। हर गांव की रक्षा कौन करेगा? तो विशेष पुलिस अधिकार देकर 2 नौजवानों को 3 नौजवानों को शस्त्र दिए जाते हैं कि आपकी अब जिम्मेवारी, आप पुलिस ऑफिसर हो, इस गांव की रक्षा आप करोगे। पंजाब में केपीएस गिल ने और केंद्र सरकार ने एसपीओ और विलेज प्रोटेक्शन कमेटीज का इस्तेमाल किया। मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में इसका प्रयोग हो रहा, किसी ने इतराज नहीं किया। जैसे टाटा का आरंभ में कोई इतराज नहीं था, जब माओवादियों के सामने भी एसपीओ खड़े हो गए तो पूरे देश के भी उनको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। मुझे तो वो निर्णय समझ में आया नहीं है। मैं अपेक्षा करूंगा कि सरकार उसमें कुछ ना कुछ सोचे और कार्रवाई करे, कम से कम सभी राजनीतिक दलों से चर्चा आरंभ करे। और कोई संविधान के आधार पर निर्णय नहीं लिखा, वो तो विचारधारा के आधार पर लिखा गया है। ये पहली बार परिस्थिति है कि देश का सुप्रीम कोर्ट संविधान को इन्फोर्स करने के स्थान पर आइडियोलॉजी को इन्फोर्स कर रहा है। और मैं यहां नहीं कह रहा हूं, मैंने अपने नाम से इस पर लिखा और देश में कई स्थानों पर वो छपा कि जो
judiciary can't enforce an ideology, it has to enforce the constitution and the law. और आज ये परिस्थिति है कि माओवाद के सामने गांव की रक्षा करने वाले जो नौजवान थे उनके हाथ से शस्त्र चल गए, सामने शस्त्रों के साथ माओवादी खड़ा है और इनको चेतावनी दे रहा है कि हम आपको अंतिम मौका दे रहे हैं, हमारे साथ मिल जाओ नहीं तो तुम्हें समाप्त कर देंगे, अब तो हमारे पास शस्त्र है तुम्हारे पास नहीं है। मैदान में ये स्थिति पैदा हो गई। मित्रों, मैं इस सबका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, आतंक से कैसे लड़ा जाएगा ये सोच जो बनानी है, इस सोच का निर्माण समाज करता है। अमेरिका में कोई कमजोर पड़ जाए आतंक के खिलाफ, वो राजनीतिक दल कभी राज नहीं कर पाएगा। दुनिया के किसी देश में आतंक के खिलाफ कमजोर पड़ जाए वो राज नहीं कर पाएगा। यहां पर कमजोर पड़ना उससे शायद वोट का आकर्षण बन जाए और राष्ट्र सुरक्षा के विषयों को वोट बैंक के साथ जोड़ देना, और वोट बैंक के साथ जोड़ देना उसके बाद और उसका असर समाज कई तत्वों में पड़ता है। और उस सोच में से इस प्रकार के लेखक भी पैदा हो जाएंगे, इस प्रकार के निर्णय भी पैदा हो जाएंगे। मैं ये मानता हूं कि मुंबई के नागरिकों के ऊपर एक दायित्व है, 14 बार आपके आक्रमण हुआ है और आपको यह तय करना है कि समाज की सोच क्या होगी, राजनेताओं की क्या होगी और समाज का चिंतन क्या होगा। और वो चिंतन तय करेगा कि हमारा इंटेलिजेंस कैसा है, हमारा सिक्योरिटी नेटवर्क कैसा है, हमारा कानून कैसा है, हमारी इन्वेस्टिगेशन कैसी है, हमारी विदेश नीति कैसी है, हमारे कानून की सोच कैसी है। वो बनवा लोगे तो यह आखिरी घटना होगी, और वो नहीं बनेगा और जो चल रहा है वो चलता रहेगा तो फिर आपको अगली घटना की प्रतीक्षा में बैठना पड़ेगा। इसलिए ये चुनौती है आपके सामने, ये राजनीतिक विचार का विषय है, ये सामाजिक चिंतन का विषय है। और मैं एक वाक्य कहकर अंत करूं, ये लड़ाई ऐसी है कि ये देश हार नहीं सकता, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस बैटल। और अगर हम हार नहीं सकते, हार की कीमत बहुत ज्यादा है, तो जीत का तरीका जो है वो केवल एक है कि इस लड़ाई को राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच के साथ जोड़ दीजिए, वोट बैंक की राजनीति के साथ जोड़ दीजिए। ये सोच बन जाती है तो निश्चित रूप से मुंबई तय कर लेगा कि 13 साल की यह घटना इस देश इस तरह की आखिरी घटना होगी। और मुंबई क्या पूरे देश में कोई आने की हिम्मत नहीं करेगा, जिस प्रकार से 9/11 के बाद अमेरिका में किसी ने आने की हिम्मत नहीं की। आपका बहुत धन्यवाद।